अभी मैं जो हूँ बीरगंज का घंटाघर चौक पर है ना दोस्तों, तो आप लोग ये घंटाघर दिखाते हैं और यहाँ का कहवा जो मंदिर है उसी के नाम पर जो है बीरगंज का नाम रखा गया था, वो भी दिखाएंगे दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, वो देख रहे हैं सामने वो घंटाघर है ना दोस्तों, और ये घंटाघर के बगल में ही जो है एक बाज़ार लगता है, वो बाज़ार भी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों चलिए ये बाज़ार के अंदर भी आप लोगों को ले चल के दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों ये जो है ना ठीक घंटाघर के बगल में ही जो है एक ये बाज़ार है, यहाँ पे जो है दोस्तों फल फूल, ये देखिए दोस्तों इधर जो है बैग वगैरह भी जो है देख रहे हैं, पूरे एक साइड में जो है बैग है और ये चारों ओर बैग है दोस्तों। गेट चाहिए अंदर का देख लीजिए, तो हमारे मेहमान आके गधावा चुप चल जाता, कोनो पावर हाउस चल जाता। देखिए दोस्तों ये जो यहाँ पे जो है पूरा फल फूल वहाँ पे जो है देखिए, नहीं बात बुझलो एगो गेट हमर बना दो, अंदर का नजारा देख लीजिए दोस्तों, हमर बात भइल बा गेट बना के देवे। अब दोस्तों मैं सीधे जो है आप लोग करके ले करके चलता हूँ गाहवा मंदिर और आपको वो भी दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी ले चल के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों देख रहे हैं यहाँ से जो है, अब आप लोग के जो है अंदर में लेकर के चलता हूँ। देखिए देखिए दोस्तों मैं पहले यहाँ पर आया था तो इतना सर सफाई नहीं था है ना दोस्तों, लगभग 4-5 साल पहले तो ये रास्ता में बहुत भीड़ भाड़ होता था रिक्शा वगैरह। ये जो अभी जो ये बीरगंज का जो मेयर राजेश मान सिंह जो जीत कर आए हैं ना दोस्तों, तो यहाँ का जो है नज़ारा ही बदल कर रह गया है दोस्तों। अभी जो है बीरगंज में आएंगे आप ना तो बहुत सर सफाई मिलेगा दोस्तों। तो देखिए कितना सर सफाई यहाँ पे कराए हैं, पहले कितना भीड़ भाड़ होता था लेकिन अभी जो है ठीक हो गया है मेरे हिसाब से तो दोस्तों। तो चलिए थोड़ा और करीब से देखते हैं और आप लोग के दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों। पहले जो है ना दोस्तों इस ये जो है गाहवा मंदिर का नाम पर ही बीरगंज का नाम हुआ करता था, बीरगंज का जो है गाहवा के नाम से पहचाना जाता था दोस्तों। इधर देख लीजिए यहाँ पे जो है दोस्तों एक पार्क बनाया गया है अंदर बैठने के लिए दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहाँ से जो है देखिए यहाँ पर जो है कुछ पूजा वगैरह है, यहाँ पे बैंड बाजा पूरा बज रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आप लोग के अंदर का भी नज़ारा कुछ दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को जो है लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों आज लगता है अब अंदर का दिखाते हैं दोस्तों आप लोग। देखिए दोस्तों अंदर का नज़ारा, अंदर में जो है दोस्तों एक देखिए अंदर में जो है एक मंदिर है और आज जो है बंद है पता नहीं क्यों दोस्तों। अंदर जो है जो मेन गेट है देख रहे हैं वो गेट जो है बंद है, और अंदर जाने के लिए जो उधर से जो घूम के जाना पड़ेगा, तो अब घूम को अब उधर से जाएंगे तो ये मैंने सोचा क्यों ना आपको इधर से ही वाइट एंगल से दिखा रहे हैं दोस्तों। देखिए वाइट एंगल से दिखाने पर क्या होता है कि अंदर का पूरा व्यू आ जाता है। देखिए दोस्तों ये देखिए ये इसका गेट, और उधर से घूम के जाना पड़ेगा, उधर से जो है दोस्तों एक गेट बनाया गया है तो उधर से अब अभी जो है बंद है। ये देख लीजिए यहाँ पे जो है पहले जो है पूरा रिक्शा से भरा हुआ रहता था लेकिन अभी बहुत बेहतरीन हो गया है दोस्तों। ये देख लीजिए इधर से घूम के अब जाना पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोग को जो है मैं दिखा दिया गाहवा मंदिर, तो दोस्तों आप लोग जो है मेरे चैनल को जो है लाइक और सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, आप लोग के लिए ऐसा ऐसा वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।